तो 47 पर है हल्डिना कॉर्डिफोलोरिया, येलो टीक, टर्मरिक वुड भी बोलते हैं इसको, तेलुगु में इसको बंदारी या बंदारू भी बोलते हैं। तो ये है हल्डिना कॉर्डिफोलोरिया का पत्ता। जैसे कि यहाँ पे इसको छूने में ये बहुत ही मखमली है, और आपको हल्का हल्का सा यहाँ पे इसका खुरदुरापन महसूस हो रहा होगा। और ये पीछे से इस तरह की पत्तियाँ इसकी दिखती हैं। और ये है इसका तना, यहाँ पे इस तरह से इसका बढ़ता हुआ तना है। यहाँ पे नीचे इसकी चूड़ियाँ होंगी, महसूस होंगी, और ऊपर ऊपर इसकी जो चूड़ियों की दूरी है वो बढ़ती जा रही है। हल्डिना कॉर्डिफोलोरिया के बारे में लिखा है ये, इसकी की स्पेशलिटी और ग्रोथ बिहेवियर के बारे में इसको पढ़ सकते हैं आप। फाइकस रेसमोसा उम्बर, 48 नंबर पर है उम्बर, फाइकस रेसमोसा। यह है फाइकस रेसमोसा। इसके पत्ते दिखने में कुछ इस तरह की होती है, पीछे से देखेंगे तो इस तरह की दिखाई देती है। छूने में इसके जो बनती हुई दिखाई दे रही है आपको, तना इसका दिखने में कुछ इस तरह से है। यहाँ पे चूड़ियाँ बनती हुई दिखाई देंगी ऊपर तक, यहाँ पे बहुत सारी इसके गोलाई दिखाई देंगी आपको, चूड़ियाँ बनती बनती ऊपर आ रही है। हर एक पौधे में ऐसे ही है, छोटे पौधे में और ज़्यादा सफाई से देख सकते हैं आप। ये है फाइकस रेसमोसा, मेड्डी इसको तेलुगु में बोलते हैं। ये इसके बारे में मैं दिखा रहा हूँ कि इसकी की स्पेशलिटी और ग्रोथ बिहेवियर के बारे में लिखा हुआ है, इसे पढ़ सकते हैं आप। 49 नंबर पर है मुरुड शेंग, हेलिक्ट्रस आइजोरा। हेलिक्ट्रस आइजोरा मुरुड शेंग का पत्ता है, ये खुरदुरा है सुनने में, यहाँ से इस तरह के कटाव महसूस होंगे आपको। तना अगर मैं इसका देखूँ तो तना इस तरह से है,